दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आज भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल सरकार ने बंगले में कितना खर्च किया, जिस पर राजनीति हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को चमकाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आवास में 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगाया गया है। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था। साथ ही केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगाया गया था। इतना ही नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एक एक टॉयलेट पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल के सरकारी आवास में 15 बाथरूम हैं। 2 टॉयलेट में ऐसे स्मार्ट कमोड सीट लगाए गए हैं जो रिमोट से चलते हैं। एक की कीमत 4,27,272 रुपए है। एक टीवी चैनल ने ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 में नया खुलासा किया है, जिसके अनुसार बिजली के सामान पर 2,58,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। किचन और अप्लायंस पर 1,10,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। हॉट वाटर जनरेटर के लिए 25,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। सुपीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। वहीं 1,00,000 का मंदिर भी बनवाया गया है। वियतनाम के मार्बल से इस मंदिर को बनाया गया है। 3 बिंदु: फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1,000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9,99,00,000 रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? ये बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। फाइनेंशियल नियम के अनुसार 10 करोड़ से ऊपर की रकम के संभावित खर्च की फाइल सीनियर अफसरों के पास भेजी जाती है। ओपन टेंडर होता है। 10 करोड़ से कम के रकम पर टेंडर की जरूरत नहीं होती। केजरीवाल के सरकारी आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस लिहाज से ओपन टेंडर होना चाहिए था, लेकिन पूरी रकम को 5 टुकड़ों में आवंटित किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण को लेकर आज भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक कहावत है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग भी आता है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये राज रोग इतनी जल्दी इतना संक्रामक हो जाएगा, ये दिल्ली की जनता को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये राज रोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंच गया है। आज दिल्ली स्तब्ध है। ये खुलासा साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता है। नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राज रोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी
जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।